यदि आप बोर्ड परीक्षा 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ मजेदार तरीका बताने वाला हूं जिसको आज तक आप यूट्यूब पर ढूंढिएगा तब भी आपको नहीं मिलेगा। और 100% पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि जिस विद्यार्थी ने इस तरीका को अप्लाई कर लिया कि बोर्ड परीक्षा में कैसे उनको अच्छे अंक लाने हैं, कैसे उनको टॉपर बनना है, कैसे वो अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं, यदि इस वीडियो को पूरा देखकर समझ लेते हैं तो 100% वो अपने रिजल्ट को बोर्ड परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। तो आज का ये रहेगा तर्क कि आखिर बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बने, चलिए जानते हैं। देखो, यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको पूरा का पूरा सभी विद्यार्थी से ज्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे, यानी रैंक 1 वाले विद्यार्थी टॉपर कह जाएंगे, यानी एक तरह से कही जाए तो 480 प्लस अंक आपको कम से कम लाने पड़ेंगे। चलिए, क्या तरीका है, कौन सा तरीका है? तो सबसे पहला तरीका है कि यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है पता है? सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको अपने पैटर्न को समझना, मतलब अपने बोर्ड परीक्षा के पैटर्न को समझिए। जब पैटर्न समझने के लिए आपको PYQ देखना है। अगर मान लीजिए 2025 में आप एग्जाम देने वाले हैं, 2024 में जो एग्जाम हो चुका है उसका क्वेश्चन पेपर उठाइए और क्वेश्चन पेपर उठाकर पैटर्न को समझिए कि कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है, कितना दो नंबरिया प्रश्न करता है, कितना पांच नंबरिया छह नंबरिया प्रश्न करता है, कितना द्विउत्तरीय प्रश्न करता है। मेरे कहने का सीधा सा ये मतलब है कि आपको सबसे पहले पैटर्न को समझना है कि किस आधार पर एग्जामिनर जो है ना प्रश्न करता है, यानी आपका बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड आपका जो है, आपका जो भी बोर्ड है वो किस तरीके से एग्जाम ले रहा है, ये आपको पहले समझना होगा। और जो विद्यार्थी समझ गया पैटर्न को, वो पैटर्न के आधार पर तैयारी करके ही टॉपर आसानी से बन सकता है। अब सोचोगे पैटर्न के आधार पर तैयारी करके कैसे टॉपर बने? नॉर्मल है, बहुत आसान है। यदि पैटर्न को समझ जाते हैं तो पैटर्न के आधार पर पूरा का पूरा 100% नंबर ला सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बन सकते हैं। देखिए, पैटर्न मतलब समझा दिए कि जो पीछे वाला एग्जाम हो चुका है, मतलब 2025 में एग्जाम देने वाले, तो उसे ठीक पीछे वाला साल का जो क्वेश्चन पेपर उसको उठाइए और पैटर्न को समझिए कि उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न किया है कि नहीं, उसमें दो नंबरिया प्रश्न किया है कि नहीं, उसमें द्विउत्तरीय प्रश्न किया है कि नहीं। तो ये पैटर्न को समझना है। यदि उसमें यानी पुराने वाले पैटर्न में यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न किया है तो आपको कुछ नहीं करना, प्रत्येक विषय से आपको कम से कम कोशिश करना कि हजार ऑब्जेक्टिव तैयार कर ले। अगर मान लीजिए 5-6 को विषय है तो 5-6 ऑब्जेक्टिव यदि आप तैयार कर लीजिएगा तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव उसमें से कुछ नहीं लड़ पाएगा? 10-15-20-50 को नहीं पाएगा? इतना भी क्वेश्चन गेस किया गया गलत नहीं होगा, ठीक है? मतलब कहने का ये मतलब कि अगर गेस ऑब्जेक्टिव 1000 को छांटते हैं पूरे विषय से, तो इसका मतलब क्या कि वो 50 को नहीं लड़ेगा, 20 को नहीं लड़ेगा। तो अगर ऐसे नहीं होता तो आप किसी टीचर से गेस ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, क्योंकि टीचर का अधिकांत अनुमान तो सही होता, अनुमान सही होता। तो आपको करना, अगर पैटर्न में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहा है तो इसका यह मतलब कि आपको प्रत्येक विषय से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छांटने हैं। मैथ से भी एक ऑब्जेक्टिव छांटना होगा, साइंस से भी एक ऑब्जेक्टिव छांटना होगा, सोशल साइंस से भी ऑब्जेक्टिव छांटना होगा, हिंदी से भी, संस्कृत से भी, इंग्लिश से भी, एक ही 1000 प्रत्येक विषय से ऑब्जेक्टिव छांट लेना है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब पैटर्न के आधार पर यदि ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ऑब्जेक्टिव का आपको तैयारी करना है। दूसरी बात, यदि पैटर्न के आधार पर आपके एग्जाम में दो नंबरिया प्रश्न करता है तो आपको प्रत्येक विषय से कोशिश करना है कि इंपॉर्टेंट दो नंबरिया कम से कम 50 को जरूर याद कर ले प्रत्येक विषय से। मैं आपका साइंस से भी, सोशल साइंस से भी, संस्कृत से भी, हिंदी से भी, और भी जो भी विषय, गणित या इंग्लिश, आपको दो नंबरिया यदि आपके पैटर्न के आधार पर प्रश्न करता है तो आपको अपने सिलेबस से कम दो नंबरिया 50 को यदि आप गेस क्वेश्चन याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट दो नंबरिया प्रश्न याद कर लेते हैं, तो 100% जो 5-10 को दो नंबरिया प्रश्न करता है वो पूरा का पूरा आपके एग्जाम में लड़ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि पैटर्न के आधार पर तैयारी करना, जो विद्यार्थी पैटर्न को समझकर उसके आधार पर तैयारी करना चालू कर दिया वो अपने बोर्ड में टॉपर बन जाएगा। तो पैटर्न को सबसे पहले समझिए, उसको देखिए, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव करता है तो प्रत्येक विषय से आपको ऑब्जेक्टिव छांटना है। दूसरा, यदि आपके पैटर्न में दो नंबरिया प्रश्न करता है तो आपको वही दो नंबरिया प्रश्न करता है तो आपको अपने प्रत्येक सिलेबस से कम कोशिश करना, प्रत्येक सब्जेक्ट से कोशिश करना कि दो नंबरिया प्रश्न 50-50 को याद कर ले, रिमेंबर कर ले, उसको ध्यान से समझ ले, ठीक है? यदि आपके पैटर्न में पांच नंबरियों प्रश्न करता है तो भैया, अगर पांच नंबरिया प्रश्न करता है तो आप कम से कम 5-10 को प्रत्येक विषय से पांच नंबरिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसको भी क्या करे, ध्यान से देख ले, समझ ले। क्योंकि अगर 5-10 को पूछता है तो एक ही को ना आपको पांच नंबरिया प्रश्न का जवाब देना होता है, 2-3 को थोड़े देना होता है, 1-2 नंबरिया प्रश्न, 5 नंबरिया प्रश्न का लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा नहीं देता है, 1-2 को देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो 5-10 को और प्रत्येक विषय से लॉन्ग इंपॉर्टेंट पांच नंबरिया प्रश्न छांट लेते हैं तो क्या आपका एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय नहीं लड़ेगा? 100% लड़ जाएगा।
जाएगा। तो क्या क्या करना है, सबसे पहला काम पैटर्न को समझिए। यदि पैटर्न में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है तो ऑब्जेक्टिव प्रत्येक विषय से तैयारी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। यदि दुनमरिया प्रश्न करता है तो 50-60 को हर विषय से कम दुनमरिया प्रश्न याद कर लीजिए। यदि दीर्घोत्तरीय प्रश्न करता है तो आप प्रत्येक विषय से दीर्घोत्तरीय प्रश्न को याद कर लीजिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को रिमेंबर कर लीजिए कम से कम 5-10 को, ठीक है। और ये सब करने के साथ साथ एक और काम कर लीजिए भैया। वो कौन सा काम करना है? वो काम करना आपको अपने लिखावट को सुंदर करना है, आपको अपनी राइटिंग को सुंदर करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आप सोचेंगे राइटिंग को सुंदर करें, अरे भैया लिखावट नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। कैसे? देखो एग्जामिनर जो होता है ना, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत भी होगा ना, फिर भी वो नंबर देगा किस पर? लिखावट पर। सुंदरता ही सबसे बड़ा आपका एग्जाम में नंबर उठाने वाला अस्त्र होता है। यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा में नंबर उठाना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, यानी प्रत्येक प्रश्नों का जवाब सुंदर लिखावट के साथ, सुंदर राइटिंग के साथ देना होगा। यानी अभी से आपको अपनी राइटिंग को, अपने लिखावट को सुंदर करना होगा। यदि आपकी लिखावट सुंदर नहीं हो पाएगी तो आपका रिजल्ट भी सुंदर नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये सब तैयार करना है लेकिन लिखावट को भी सुंदर करना है। यदि आप अपने राइटिंग को, अपने लिखावट को सुंदर नहीं कर पाएंगे तो आपका रिजल्ट भी बेहतर नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपके प्रश्नों का आंसर से ज्यादा आपका लिखावट देखता है कि कितना सुंदर लिखते हैं। तो कोशिश करना कि प्रत्येक प्रश्नों का जो आंसर है, जवाब है, वो सुंदर लिखावट के साथ आप दे पाए। और राइटिंग अभी से आपको सुधारना चालू कर देना है। तो ये 5 तरीका जो जो विद्यार्थी अप्लाई करना चालू कर दिया, जो जो ये पैटर्न को समझिए, पैटर्न के आधार पर तैयारी करिए, उसमें ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन बनाइए, नोट्स तैयार करिए, दुनमरिया का नोट्स तैयार कर लीजिए, दीर्घोत्तरीय का नोट्स तैयार कर लीजिए और अपनी लिखावट को सुंदर कर लीजिए। और लिखावट के साथ साथ एक और काम कर दीजिए बाबू, स्पीड आप बना लीजिएगा, लिखने का स्पीड जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब आप सोचेंगे स्पीड क्यों, स्पीड किस काम में आएगा? अरे भैया अगर एक ही प्रश्न को लिखने में आधा घंटा लगाओगे, एक घंटा लगाओगे, तो क्या एग्जाम में आप सारे प्रश्नों का जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसीलिए आपको यह काम करना है कि कम से कम एक प्रश्न पर इतना स्पीड बना लो कि 5-6 मिनट में हार्ड से हार्ड प्रश्न आप रगड़ दें। तो लिखावट के साथ साथ लिखने का स्पीड भी घर पर सब प्रैक्टिस करने से होगा। यानी बार बार लिखने से, बार बार राइटिंग सुधारने से राइटिंग सुधरेगा, बार बार राइटिंग पर थिंकिंग करना होगा और स्पीड थोड़ा आपको बनाकर लिखना होगा। तो जो जो विद्यार्थी इन 5-6 तरीकों को अप्लाई कर लेता है वो इस साल बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूरी गारंटी के साथ वो टॉपर बनेगा। आपको लगे ना कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी चीज कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।